हाँ तो क्या हाल है जनता, व्हाट्सअप। तो यार आज की वीडियो में होगा, हम लोगों के ना माइंड में हमेशा क्वेश्चन होता है कि यार हमें कौन सी सनस्क्रीन लेनी चाहिए, हम कौन सी सनस्क्रीन लें जो हमें सूट हो। मार्केट में तो ढेर सारे ऑप्शन हैं, उसमें से हम बेस्ट और टॉप सनस्क्रीन्स जो मैं आज आपको वीडियो में बताऊँगा, जो मैं भी यूज़ करता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हो। अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते, इधर इंस्टाग्राम आ रहा होगा, जल्दी से फॉलो करो, वहाँ DM या मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आती है लोटस हर्बल्स की सेफ सनस्पॉट्स प्रो डिफेंस सनस्क्रीन क्रीम। इस सनस्क्रीन में ना आपको लमसम अमाउंट का SPF मिल रहा है, मतलब कि 100 SPF का। ये क्रीम ना स्वेट और वाटर रेसिस्टेंट है, मतलब कि आपको स्वेट आ रहा है और आप अगर स्विमिंग भी करते हैं, स्विमिंग में भी बहुत बढ़िया चलेगी, क्योंकि वो उतरेगी नहीं जब आप स्विमिंग करोगे। ये ना आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगी हार्मफुल UVA और UVB रे से, और आप इसको एंटी पोल्यूशन क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये सनस्क्रीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये सनस्क्रीन ना आपकी स्किन पे एक इनविजिबल माइक्रो फिल्टर बना रहा है, और उससे क्या हो रहा है, इंप्योरिटी से वो प्रिवेंट कर रही है, उसके साथ आपकी स्किन को नरिश भी कर रहा है और आपकी स्किन सॉफ्ट भी हो रही है और स्मूथ भी हो रही है। अगर आपका प्लान है कि आपको सनस्क्रीन परचेज करनी है, वैसे तो इसका प्राइस है 395 रुपीज की, बट Amazon पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी मिल रही है 294 की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आती है लैक्मे सन एक्सपर्ट टिंट सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन में आपको ककंबर मिल रहा है और लेमन ग्रास के एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, जो फाइट करते हैं डार्क स्पॉट से, प्री मैच्योर एजिंग और सन डार्कनिंग जो होती है हमारी सन डैमेज के साथ। जब आप ये सनस्क्रीन यूज करोगे ना, ये नॉन स्टिकी है, तो पता भी लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई भी किया है, और इसके साथ हमारी स्किन को इवन टोन्ड लुक भी देती है, और ये हमारी स्किन में बहुत इजिली ब्लेंड भी हो जाती है, एक नेचुरल लुक देती है, और पता नहीं लगता कि आपने कोई सनस्क्रीन अप्लाई भी किया है। और इनकी पैकेजिंग पे ना लिखा भी है कि ये ब्लॉक करते हैं अप टू 97% ऑफ हार्मफुल रेज। और अगर आपका प्लान है कि आपको कोई सनस्क्रीन लेनी है, तो आप ये भी सनस्क्रीन ले सकते हैं। इसका प्राइस है 325 रुपीज, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप जाके परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट सनस्क्रीन आती है रिक्विल की ऑक्सीबेंजोन एंड OMC फ्री सनस्क्रीन। जिनकी स्किन टाइप ऑयली है, एक्ने प्रोन है या सेंसिटिव है, वो ये सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन ना लोशन बेस्ड क्रीम है, तो ये ग्रीसी भी नहीं है, जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई भी किया है, और ना आपकी स्किन में एक मैट फिनिश देगी। वैसे तो सारे स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं, बट आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो भाई आप पे बहुत अच्छी वर्क करेगी। वैसे इसके प्राइस की बात की जाए, ये है 550 रुपीज की, बट डिस्काउंट करके Amazon पे आपको मिल रही है 460 की। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके आप परचेज कर सकते हो। और एक और चीज, कुछ दिन में ना Amazon पे सेल आने वाली है, जो जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहे हैं और आपका प्लान है कि परचेज करना ही है इस वीडियो से, और कुछ भी आपको Amazon से लेना है, तो भाई जाके जल्दी से कार्ट में ऐड कर लो, क्योंकि सेल में आपको उस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सनस्क्रीन आती है मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन SPF 50। ये सनस्क्रीन ना फॉर्मुलेटेड है विद 4 वेरी इफेक्टिव UV फिल्टर्स, और उसके साथ बूस्ट मिलता है इसको विटामिन ए, B3, B5, E और F से, जो ना रिपेयर तो कर रहा है हमारी स्किन को सन डैमेज से, बट उसके साथ हमारी स्किन को सॉफ्ट, नरिश और हाइड्रेट भी रख रहा है। और ना ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, कोई भी हैवी फीलिंग आपको होने नहीं वाली। आप बहुत सी सनस्क्रीन यूज करते होगे तो आपकी स्किन पे एक वाइट सा टेक्सचर आ जाता है, मगर आप जब इसको यूज करोगे तो इवनली स्प्रेड होगी आपकी स्किन में, और वो ऐसा कुछ वाइट आपकी स्किन पे होगा ही नहीं। और इसको अप्लाई करने के बाद ना स्किन बहुत स्मूथ हो जाएगी और एवरलास्टिंग टेक्सचर है इसका। वैसे अगर इसके प्राइस की बात की जाए, वैसे तो ये 400 की है, बट डिस्काउंट पे आपको पड़ रही है 379 की। अगर आपको परचेज करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आती है मामा अर्थ की हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन SPF 50। ये सनस्क्रीन ना जेल बेस्ड फॉर्मूला से बनी है, और ये 50 SPF की है, और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इस सनस्क्रीन में ना आपको एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं रेसबेरी के और एलोवेरा के, जो ना हेल्प करता है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में, और उसके साथ ना आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो भी दे रहा है, और ये नॉन स्टिकी है, जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो पता भी लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई भी किया है, और सारे स्किन टाइप वाले ना इसको यूज कर सकते हैं। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए, आपको पड़ेगा 399 का, बट डिस्काउंट करके अभी Amazon पे मिल रहा है ये 359 का। अगर आप परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके परचेस कर लो। तो नेक्स्ट आती है द डर्माको की 1%
हाइलुरोनिक सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन में ना आपको हाइलुरोनिक एसिड और उसके साथ विटामिन ई मिल रहा है, जो ना बेस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है आपको यूवीए रेज से, और ना ये हेल्प कर रहा है रिड्यूस करने में फाइन लाइंस, रिंकल, और उसके साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल कर रहा है। ये सनस्क्रीन जेल बेस्ड है तो आपके पोर्स को क्लॉग भी नहीं करेगा। अगर इसके प्राइस की बात की जाए, ये आपको पड़ेगी 499 की, बट डिस्काउंट करके आपको अभी मिल रही है 459 की। अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके आप परचेस कर लेना। तो नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की सनस्क्रीन SPF 60। ये सनस्क्रीन सारे स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, उसके साथ ये मैट फिनिश देती है आपको। ये सनस्क्रीन ना हेल्प करती है ब्लॉक करने में हार्मफुल इफेक्ट्स UVA और UVB रेज के। इस सनस्क्रीन में ना आपको हाइलुरोनिक एसिड भी मिल रहा है, जो आपकी स्किन को हेल्दी भी रखेगा और उसके साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। अगर आपका प्लान है कि आपको ये सनस्क्रीन लेनी है, वैसे तो इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है वो पड़ा है 486 का। और एक और भाई, अगर आपको भी प्लान है कि आपको ये परचेस करनी है, जाके अमेज़न के कार्ट में सेव कर लो, जब सेल स्टार्ट होगी तो जाके आप परचेस कर लेना, तो अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। मैंने तो और भी प्रोडक्ट्स ना अपने अमेज़न के कार्ट में सेव करके रखे हैं। मेरा तो प्लान है जब सेल शुरू होगी ना, मैं तो बहुत सारा सामान शॉपिंग करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट आता है डॉक्टर शीट्स की सनस्क्रीन SPF 50। ये जो सनस्क्रीन है ना, ये नॉन ग्रीसी है, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई भी किया, और उसके साथ ना ये सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी है। इस सनस्क्रीन में ना आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, जो ना हेल्प करता है आपकी स्किन को रिपेयर करने में, और उसके साथ आपकी स्किन में अगर माइक्रो पिगमेंटेशन होगी ना, उसमें भी हेल्प करेगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके प्राइस की बात की जाए, वैसे तो ये 500 तक आपको पड़ जाती है, बट अमेज़न पे अभी पड़ रही है 409 की। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप बाय करना चाहो बाय कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन स्प्रे SPF 50। जब मैंने इसका नाम सुना ना, सनस्क्रीन स्प्रे, तो भाई मैंने बोला स्प्रे में सनस्क्रीन, मैं वायर, इसको तो ट्राई करना ही चाहिए, तो मैंने तो ऑर्डर कर ही लिया था। इसमें आपको कैरेट सीड, रेसबेरी एक्सट्रैक्ट, उसके साथ आमंड और एवोकाडो ऑयल भी मिल रहा है इसमें। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट तो करते हैं यूवी रे से, बट उसके साथ ना आपकी स्किन को हाइड्रेट भी कर रहा है, नरिश भी कर रहा है, और इसको ना यूज करना भी बड़ा इजी है। आपने बॉटल लेनी है, अच्छे से शेक करनी है और स्प्रे करके अप्लाई कर लेनी है। ये ना नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली और नॉन पैची है। जब भी आप इसको अप्लाई करोगे, बहुत जल्दी अब्सॉर्ब भी हो रही है स्किन में, और पता भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई भी किया है। अगर आपका भी प्लान है कि आपको स्प्रे वाली सनस्क्रीन ट्राई करनी है, तो वैसे तो अमेज़न पे ये मिल रही है 500 तक आपको मिल जाती है, बट डिस्काउंट करके आपको मिल रही है 480 की। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके आप परचेस कर सकते हो। तो ये तो थी सारी सनस्क्रीन जो मेरे लिस्ट में है, और अगर आप इन सबको, कोई भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके आप बाय कर सकते हो। और वैसे तो अमेज़न पे सेल भी आने वाली है, आप जाके इसको कार्ट में सेव कर लो, जब सेल स्टार्ट होगी तो आप जाके परचेस कर लेना। और एक और चीज, अगर आप लोगों को नहीं पता, मेरा व्लॉगिंग का चैनल भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक होगा, जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई ढेर सारे व्लॉग्स अपलोड करता हूँ DS बॉस को व्लॉग्स में। तो चले यार वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी यार इंस्टाग्राम आ रहा होगा, जल्दी से फॉलो करो, वहां DM या मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियो चाहिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।